माधोपुर में जान गयो चुन्नी पे मारो नाम तो तू माधोपुर जान गयो चुन्नी पे मारो नाम लकोर देवी माता जी के जो पिलोदा में पड़ती है, इस देवी जी के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर सभी की इच्छाएं पूरी होती है। राज्य से भी लोग बाग आते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी की है इस माता ने, और इस माता के बारे में कहा जाता है कि जो भी मन से मांगते हैं वो माता सबको देती है। मेरा नाम विजय भगत है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। यह गाँव पिलोदा है, तहसील वजीरपुर है, जिला सवाई माधोपुर। यह मंदिर लकोर देवी माता का है और यह औरंगजेब के टाइम का मंदिर बताते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग और मेरे परिवार से यहाँ कई पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं और यह इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है। यह लकोर देवी का मंदिर पिलोदा में है और यहाँ पर यात्री महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और उनकी दिल से मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और यहाँ पर परशुराम बाबा की छतरी है जिस पर दारू चढ़ाई जाती है, उसने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
मैं रमेश मीणा बोल रहा हूँ पीलोदा से। ये लहकोड़ देवी का मंदिर जब से बना हुआ है, जब से ये तालाब भी बना हुआ है और ये नया निर्माण हो रहा है ये बगरू का, इसमें पार्क जोरदार लगाएंगे बिल्कुल। और फवारा सेट पूरा जो भी व्यवस्था है फुल वो होगी, लाइट फैट सब बिल्कुल अच्छा निर्माण है। और ये पूरा पानी जब का कोई इतिहास नहीं इसका, कब जबकि लहकोड़ बनी है ने, जब से ये पूरा तालाब का पानी ऐसे भरा रहता है। और इसमें कोई लेडीज हमारा गांव की मतलब पैर भी नहीं धोती है, बिल्कुल शुद्ध पानी है। इससे मतलब हमारी देवी फिर छंटता है ये पानी डेली, इसमें गंदा काम नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पानी है बिल्कुल हमारा। मंदिर परिसर में जो ये धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है, ये सचिन शर्मा पंडित जी मलारना डूंगर के द्वारा करवाया गया है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, उसके उपलक्ष्य में माता रानी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, उसके उपलक्ष्य में ये धर्मशाला का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया है। आप जो देख रहे हो ये परशुराम बाबा की छतरी है, इसका इतिहास 500 पुराना इतिहास है। और ये माता रानी की पूजा करते थे और इनका बहुत बड़ा इतिहास है। ये लहकोड़ देवी माता की पूजा करते थे और इन पर हर साल की कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की दारू चढ़ जाती है। और इन पे एक गिलास पानी अगर डाल दिया जाए इनके ऊपर तो ये पूरा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी कभी शादी नहीं की और औरत की परछाई इन्होंने अपने शरीर पर कभी नहीं पड़ने दी थी। ये इसलिए सच्चे भक्त माने गए हैं। लोग पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि ये बहुत ही सच्चे भक्त, सच्ची आत्मा से पूजा करते थे, सच्ची लगन से रहते थे, किसी भी औरत